हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो बताने वाले हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वाक्य को खत्म। ठीक, एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ACTIVE active UIC into PWSIVE UIC active voice into passive voice। इसको बताना है, ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड सभी सेंटेंस है। ठीक है, सबसे पहले इसमें इसका जो टॉपिक दिया हुआ है वह है कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें क्या क्या होता है, प्रीपोजिशन का लोप कर देता है, लेकिन इस सारे सेंटेंस में प्रीपोजिशन का लोप नहीं होगा। जैसे पहला सेंटेंस है, ही लुक्स आफ्टर मी, ही लुक्स आफ्टर मी। तो जब बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस तो हो जाएगा मी का आई, तो आई और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, तो आई एम, और ये वर्ब को रख देंगे यहाँ पर, तो वर्ब का तीसरा रूप होता है लुक्ड और आफ्टर और बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट है दे विल लुक आफ्टर यू वेल। अब बनाएंगे यू, तो यू से बनाएंगे तो यू का सब्जेक्ट यू ही रह जाता है, तो यू और विल के साथ बी का प्रयोग करेंगे, तो यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर बाय देम, और नहीं तो बाय देम छोड़ भी सकते हैं, तो बाय देम का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो क्या देगा, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर। नेक्स्ट है ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ एट हिम, तो हिम का हो जाएगा ही। ठीक है, ही का क्या जाएगा ही, और ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे, तो ही इज और लाफ का तीसरा रूप लाफ हो जाएगा, उसके बाद एट ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन लगा देंगे, तो ही इज लाफ्ड एट और बाय करके और ऑल हिज फ्रेंड, तो बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑल हिज फ्रेंड्स है तो ऑल हिज फ्रेंड्स रख देंगे। नेक्स्ट है वी मस्ट लिसन टू आवर एल्डर्स। अब इसका बनाएंगे आवर इल्डर्स, आवर इल्डर्स और मस्ट है तो इसके साथ बी का प्रयोग करेंगे, तो मस्ट बी और लिसेंड का तीसरा रूप होता है लिसेंड, तो यहाँ पर लिख देंगे लिसेंड और प्रीपोजिशन टू, लिसेंड टू और बायस का प्रयोग इसमें नहीं करना है। नेक्स्ट है दे ऑब्जेक्टिव टू हिज प्रपोजल, अपनाएंगे हिज प्रपोजल से, हिज प्रपोजल से, तो हिज प्रपोजल और इसमें वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये पास्ट में है तो वाज का प्रयोग करेंगे, तो हिज प्रपोजल वाज और उसके बाद हो जाएगा वर्ब का इसका तीसरा रूप हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और इसका प्रीपोजिशन जो है टू, वो प्रीपोजिशन टू यहाँ पर लगा देंगे। नेक्स्ट है सिक्स नंबर, योर स्टोरी हैज इंटरेस्टेड मी। अब मी से बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट आई हो जाता है, और यहाँ पे हैज है तो जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, हैज रहेगा एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में हैव बीन का प्रयोग करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव बीन और ये इंटरेस्टेड तो हो जाएगा इंटरेस्टेड, और योर स्टोरी तो इसके साथ इन का प्रयोग करेंगे, तो इन योर स्टोरी जो है तो हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस में आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी। नेक्स्ट आते हैं सेवन नंबर, We must write to him. We must write to him. तो him का क्या हो जाएगा, ही, पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो him का ही हो जाएगा, और फिर यहाँ पे must है तो be का प्रयोग करेंगे, तो ही मस्ट बी क्या हो जाएगा, तो क्या हुआ, ही मस्ट बी, उसके बाद राइट का राइट रोट रिटेन, तो रिटेन और प्रीपोजिशन टू है तो टू का प्रयोग करेंगे, तो इसका हो जाएगा वी मस्ट राइट टू हिम का हो जाएगा ही मस्ट बी रिटेन टू। नेक्स्ट है एट नंबर में, द थीफ ब्रोक इन टू द हाउस। अब द हाउस से बनाएंगे तो हो जाएगा द हाउस, अब ये पास्ट में है तो वाज का प्रयोग करेंगे, तो द हाउस वाज अ ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। ठीक है, तो तीसरा रूप ब्रोकन हो जाएगा, तो द हाउस वाज ब्रोकन और प्रीपोजिशन इन टू है तो लास्ट में इन टू रख देंगे, तो इसका हो जाएगा द हाउस वाज ब्रोकन इन टू। नेक्स्ट है नाइन नंबर में, सी नोज मी, तमी से बनाएंगे तमी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, और ये प्रेजेंट में है तो आई एम का प्रयोग करेंगे आई के साथ, तो आई एम। ठीक है,
आई एम और नो नोज का ये जो है पांचवा रूप है, तो ये हो जाएगा तीसरा नोन, के एन ओ डब्ल्यू एन, आई एम नोन टू, और सी का हो जाएगा हर, तो आई एम नोन टू हर। अब इस टाइप के जो सेंटेंस है, यहाँ पे एक दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया हुआ है, फिर ब्रोक इन टू यहाँ पे, तो इस टाइप का जो सेंटेंस है ठीक है, ये वैसे तो ये सभी सेंटेंस है, किसी किसी में बाय लगेगा और किसी किसी में बाय का प्रयोग नहीं होता, तो सेंटेंस देखकर समझ लेंगे कि यहाँ किस में लगेगा और किस में लगेगा, तो इसमें नहीं लगेगा सी जो है, तो इसमें क्या लगेगा टू हर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर, आई सेटिस्फाइड, आई सेटिस्फाइड एवरी बॉडी, अपनाएंगे इसका एवरी बॉडी, एवरी बॉडी और ये पास्ट में है तो आवाज का प्रयोग करें, तो एवरी बॉडी वॉज सेटिस्फाइड और मी, आई का क्या जाएगा मी, तो इसके साथ लगाएंगे विथ मी, तो इसका हो जाएगा एवरी बॉडी वॉज सेटिस्फाइड विथ मी। सो ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस था, ये एक्सरसाइज 82 का, 82 का कुछ भाग, पिछले वीडियो में भी 82 का कुछ भाग बताए थे और फिर इस वीडियो में, और इसका कुछ शेष जो सेंटेंस लगा लगभग 12-15 सेंटेंस अभी और बाकी है 82 का। सो 82 का फिर जो शेष एक्सरसाइज का जो सेंटेंस बच गए एक्टिव वर्ब से पैसिव वर्ब, वो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते।